संविधान को कुचलने का काम किया तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो इमरजेंसी लगाई, आप जैसे मीडिया के लोगों को जेल में डाल दिया, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, वो था लोकतंत्र को कुचलना, असुरक्षित करने का काम, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया। पंडित नेहरू जी के समय हजारों किलोमीटर भूमि भारत की चीन ने हथिया ली, एक्साइज चीन एरिया से लेकर पाकिस्तान। मैं पूछता हूँ, कांग्रेस जवाब क्यों नहीं देती? कांग्रेस ने सदा भारत की सीमाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अखिलेश यादव भी लगातार सभाओं में कह रहे हैं कि भाई संविधान बचाना है तो बीजेपी को वोट मत दो। उसके अलावा आरक्षण को लेकर बात की, तो मैंने यही कहा कि भले ही आप लोगों का एजेंडा सही है, लेकिन विपक्ष इस तरह की अफवाह फैला रहा है। देखिए, इसमें दो बात है। संविधान बचाने का मतलब क्या है? संविधान को कुचलने का काम किया तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया, जो इमरजेंसी लगाई, भारत पर आपातकाल थोपा, उस समय नसबंदी लोगों की करा दी, आप जैसे मीडिया के लोगों को जेल में डाल दिया, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, वो था लोकतंत्र को कुचलना, संविधान की हत्या करना। ये श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया, और देश को भी असुरक्षित करने का काम, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया। पंडित नेहरू जी के समय हजारों किलोमीटर भूमि भारत की चीन ने हथिया ली, एक्साइज चीन एरिया से लेकर पाकिस्तान। मैं पूछता हूँ, कांग्रेस जवाब क्यों नहीं देती? इंदिरा गांधी जी ने पाक अधिकृत कश्मीर की भूमि वापस क्यों नहीं ली? 90,000 सैनिक पाकिस्तान के भारत की जेलों में थे, भारत के कब्जे में थे, क्यों नहीं लिया? और ऊपर से कच्चा थी वो आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। ये कांग्रेस ने सदा भारत की सीमाओं के साथ खिलवाड़ किया है, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, और रक्षा सौदों में दलाली खाने का काम ये विपक्ष के लोगों ने किया है, कांग्रेस ने विशेष तौर पर किया है। फिर जब आप कहते हो कि अखिलेश यादव कहते हैं संविधान में, अखिलेश जी से पूछता हूँ, ये 62 बार से ज़्यादा संविधान में संशोधन ये कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये दो शहजादों से मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब दें। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा जी, सोनिया जी तक, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, सबने किया। मोदी सरकार ने तो संविधान की सुरक्षा की,